प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज। नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक रेजर से और एक ट्रिमर से। और ट्रिमर है दोस्तों फिलिप्स का QP2525/10। ये वन ब्लेड ट्रिमर है। तो दोनों से जब हम सेविंग करते हैं तो किसकी सेविंग ज़्यादा अच्छी आती है दोस्तों, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, ब्लेड का या इस ट्रिमर और सेवर? ये एक्चुअली में ट्रिमर और सेवर दोनों का काम करता है, इसलिए मैं आपसे आज सेविंग की बात कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं एक बार इसके बारे में बता दूं आपको इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। दोस्तों ये वन ब्लेड सिस्टम है, यहाँ से आप इसका ब्लेड निकाल भी सकते हैं। जब ये ख़राब हो जाए ब्लेड तो आप इसकी जगह दूसरा डाल सकते हैं। दोस्तों ये जो ट्रिमर है 45 मिनट का बैकअप देता है और चार्ज होने में लेता है 8 घंटे। और दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन है, फिलिप्स का काफ़ी ये अच्छा ट्रिमर माना जाता है, जिससे कि आप सेविंग भी कर सकते हो। इसके साथ 1mm, 3mm और 5mm के 3 कॉम्ब आते हैं, जिनसे आप 1mm, 3mm और 5mm तक बालों को ट्रिम कर सकते हैं। इसका जो चार्जर आता है इसके साथ में, जब आप चार्जर लगाते हो इसके, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार चार्जर। देखो ये है इसका चार्जर, ये देख सकते हैं। जब आप इसको लगाते हैं तो इसमें एक LED जलती है, यहाँ पर इंडिकेटर, LED इंडिकेटर है, और वो तभी जलेगा जब आप इसको लगा देंगे। बाकी इस मशीन में कोई भी इंडिकेटर नहीं है। जब आप इसको ऐसे लगा देंगे तभी यहाँ पर इंडिकेटर जलेगा, नहीं तो नहीं जलता। तो दोस्तों आइए अब इसकी शुरुआत करते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये ट्रिमर ख़रीदना हो तो आप मेरे द्वारा नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा खरीद सकते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाए हैं इसके, जिसमें कि एक तो मैंने आपको इसका दिया है लाइव डेमो, जिसमें सेविंग बना के दिखाई है, और एक इसकी अनबॉक्सिंग है, आप उनको भी देख सकते हैं इसके बारे में, इस ट्रिमर के बारे में डिटेल जानने के लिए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सेविंग फोम के द्वारा ही आज बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लगाते हैं सेविंग फोम। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको मैं गीला कर लूँ। अब लेता हूँ थोड़ी सी सेविंग फोम। ये देखिए, एक्चुअली मैं ड्राई भी मैं बना सकता था। ड्राई पर आपका ट्रिमर तो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन रेजर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। और इस ट्रिमर की खास बात है कि आप इसको ड्राई से भी बना सकते हो, ड्राई भी बना सकते हो, यानी कि सेविंग क्रीम लगाए बिना या फोम लगाए बिना आप इसको बना सकते हो, बहुत अच्छा काम करता है। अब मैं आपको आज क्रीम के द्वारा, सेविंग क्रीम या फोम के द्वारा, आज मैं फोम लगा के बता रहा हूँ, तो आप सेविंग क्रीम या फोम लगा के भी बना सकते हो। तो आधी शेविंग आज मैं करूँगा ब्लेड से और आधी शेविंग करूँगा मैं ट्रिमर से। जी हाँ दोस्तों, आधी शेविंग मैं करूँगा ब्लेड से और आधी करूँगा ट्रिमर से, आधी ब्लेड से आधी ट्रिमर से। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ ट्रिमर से। तो शुरुआत करते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्लोजली। इसको आप दोनों तरफ घुमा सकते हो, हाँ।
वैसे मैंने इसे ड्राई से बना के देखी है, तो ड्राई से ड्राई पर बहुत अच्छा काम करता है ये ट्रिमर। तो अगर आप ड्राई के बारे में मुझसे पूछें तो ड्राई के बारे में तो मैं आपसे कह सकता हूँ ड्राई सेविंग में तो ये डेफिनेटली बेहतर है। अब वेट में मैं बात कर रहा हूँ, दोस्तों आधी सेविंग मेरी बन चुकी है इससे। और दोस्तों आप इसको धो भी सकते हो, ये वॉशेबल है, मैं इसको धो रहा हूँ मग्घे में, तो आप इसको धो सकते हो आराम से। अब देखिए करते हैं सेविंग ब्लेड से। तो मेरी जो राइट हैंड साइड है यानी ये तो की है मैंने ट्रिमर से, और लेफ्ट हैंड की है मैंने, लेफ्ट हैंड कर रहा हूँ ब्लेड से। तो ब्लेड से भी मेरी बन चुकी है। तो देखिए अब मैं वाश करके आता हूँ और दिखाता हूँ किससे ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों मैं वाश करके आ चुका हूँ, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए राइट हैंड साइड वाली ट्रिमर की है, ये मेरी राइट हैंड साइड है, आप देखिए ये ट्रिमर से बनाई है मैंने, आप देख लीजिए एक बार। अब लेफ्ट हैंड वाली देख लीजिए जो मैंने ब्लेड से बनाई है, ये जिलेट गार्ड से बनाई है मैंने। तो दोस्तों ट्रिमर की जो शेविंग है वो लगभग ब्लेड जैसी है। दोस्तों मैं कहूँगा कि इस ट्रिमर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि आप इस ट्रिमर को ले सकते हो शेविंग के लिए। अगर आप मेरी राय पूछते हो तो मैं कहूँगा कि हाँ ये ट्रिमर अच्छा काम करता है, आप शेविंग के लिए इसे यूज कर सकते हो। बाकी निर्णय आपके ऊपर है कैसा है ये ट्रिमर, आप एक बार दोबारा से देख लीजिए। ये है ट्रिमर की शेविंग, ये है ब्लेड की शेविंग। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस।